गाइस आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो tradingview.com वेबसाइट है, सो यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल फ्री में जो भी रीप्ले वाला ऑप्शन है इसको यूज करना है, सो आप कैसे कर सकते हो, सो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रोसेस में बताने वाला हूँ। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया इसका, एंड कोई भी यहाँ पे मैंने अमाउंट वगैरह पेड नहीं किया है। एंड यहाँ पे आप देखो कि मुझे यहाँ पे ऐड भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मेरा बिल्कुल फ्री वाला प्लान है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे मैं आपको और भी अच्छे से दिखाऊँ, सो यहाँ पे मैं अगर जो भी सेकंड वाला टाइम फ्रेम इसको यूज करता हूँ, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो भी बेसिक प्लान है, यहाँ पे आपका करंट प्लान बेसिक चालू है। सो गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको जो भी सेकंड वाला टाइम फ्रेम इसको यूज करना है, सो यहाँ पे आपको प्रीमियम का अकाउंट लेना पड़ेगा। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे बेसिक प्लान है, यहाँ पे मैंने कोई भी प्लान वगैरह परचेस नहीं किया है इनका। एंड मुझे यहाँ पे तब भी जो भी रीप्ले वाला ऑप्शन इसको यूज करना है, सो कैसे करूँगा। सो गाइस अभी यहाँ पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम करता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे रीप्ले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा ये। एंड अभी आपको जो भी टाइम फ्रेम पे, मतलब जितने टाइम के लिए भी आपको एनालाइज करना है, सो यहाँ पे आप इस तरीके से लेके जाओगे, यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे कटअप देखने को मिल जाता है। एंड जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आगे का चार्ट पूरा गायब हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्ले का, कि आप इसको प्ले करना चाहते हो फिर नहीं करना चाहते हो। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आपको स्पीड का भी देखने को मिल जाता है कि आपको कौन सी स्पीड रखना है। एंड जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से कैंडल चलने लगेगा। एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से एनालाइज वगैरह कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपका जो भी एनालिसिस रहता है उस तरीके से फिर आप करोगे। अभी गाइस यहाँ पे हम दोबारा से रीप्ले पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सो देख सकते हो यहाँ पे आपको जो भी टाइम का, जितने टाइम का भी रखना है, हाइड करना है, उतने टाइम का आपको यहाँ पे कट कर देना है। जैसे आप कट करोगे सो पूरा चार्ट यहाँ पे जो भी कैंडल था आगे का चला जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। सो चलिए यहाँ पे हम 1 का ले लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हम प्ले पे क्लिक करेंगे। सो जैसे हम प्ले पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आप देखोगे चार्ट यहाँ पे चलने लगेगा, यानी आपको लाइव मार्केट के जैसा फील होगा। एंड आगे कैसा क्या हो सकता है, सो यहाँ पे आप फिर अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट को आप बना सकते हो और देख सकते हो। एंड बाकी आप चाहते हैं यहाँ पे सेल का बाय का पोजीशन भी ले सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे यहाँ पे मतलब वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे गाइस मान लीजिए मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट और नीचे आने वाला है, सो यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे एक पोजीशन चलने लगेगा, एंड उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर आपको जो भी पोजीशन इसको क्लोज करना है, सो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे एक बाय का दिखाने लगा है, यानी यहाँ पे एक बाय हुआ, फिर यहाँ पे एक सेल हुआ। और बाकी इस यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे मेरा बाय हो गया है। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, सो मुझे यहाँ पे भी लॉस होने लग गया है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड भी लेके देख सकते हो कि आपका एनालिसिस सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो गाइस आप रीप्ले को कुछ इस तरीके से बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आप सिर्फ डे टाइम फ्रेम में इसको बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए 1 घंटे पे इसको यूज करना है, या फिर मान लीजिए 5 मिनट पे यूज करना है, सो तब आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, सो इसमें मैं क्लिक करूंगा रीप्ले पे, एंड अगर यहाँ पे अभी मैं हाइड करने जाऊंगा, इसको कट करने जाऊंगा, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोलेगा कि यहाँ पे आपको एसेंशियल वाला प्लान लेना पड़ेगा, या फिर आप प्लस वाला भी जो भी अकाउंट है इसको आप ले सकते हो। एंड इसके लिए फिर आपको जो भी डॉलर वगैरह रहेगा उतना पेड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप इजिली इसको 5 मिनट पे, 1 मिनट पे जो भी रिप्ले वाला ऑप्शन, इसको आप फिर यूज कर सकते हो। सो बस गाइस आज के वीडियो यही था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। बाकी इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।